بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں۔ پانچ روزہ مجالس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ٹاپک پہ گفتگو کی جائے اور ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں تسلسل باقی رہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آن آف آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ایک بار بار ہمیں ہر مجلس میں ایک تمہید باندھنی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس ٹاپک کے ساتھ کیا ہو جائیں، کنیکٹ ہو جائیں۔ عرض کر رہے تھے کہ زندگی کا ہدف، زندگی کا مقصد انسان کو ایک خاص رستے پہ چلانے کا نام ہے۔ جتنے بھی مکاتب آپ کائنات میں دیکھتے ہیں ہر مکتب کا اپنا کوئی نہ کوئی راستہ ہے۔ جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا مذہب، مذہب کا مطلب ہے ذہاب، یا عربی میں ذہب بولتے ہیں، ذہاب کا مطلب ہے چلنا۔
मजहब का मतलब है कि जिस रास्ते पे हम चलते हैं। अब किसका मजहब कहते हैं, हम शिया मजहब से हैं, फलां सुन्नी मजहब से हैं, फलां देवबंद मजहब से हैं। अब वो जो उसका जिहाब है, उसका रास्ता है, वो किसका रास्ता है, कहते हैं अहले सुन्नत का रास्ता है। ये किसका रास्ता है, ये अली इब्न अबी तालिब के चाहने वालों का रास्ता है। मतलब खत हयात, मनशे हयात हम किस से ले रहे हैं, रसूल के बाद अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ले रहे हैं। कि हमारी जिंदगी करने के तौर और तरीके हमें कौन बताएगा, मोहम्मद और आले मोहम्मद बताएंगे। अब जब हदीस में ये कहा कि यौम नदउ कुल उनासिम बि इमामिहिम, कयामत के दिन हर बंदे को अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। अब फिर इमाम का मतलब क्या है, मैं हूं मामूम, वो है इमाम। मामूम यानी जो इमाम के पीछे चले, इमाम मतलब जो आगे चले। अगर आप इराक गए हों तो अरब अक्सर बोलते हैं अलल इमाम, अलल इमाम मतलब कहाँ चलो, आगे की तरफ चलो। या इमाम जुमा जमात मतलब जुमे की और जुमे की नमाज की जमात कौन कराएगा, इमाम जमात। जो जमात में सबसे आगे खड़ा होगा वो इमाम जमात है। इमाम उम्मत जो उम्मत की क़यादत करेगा, बेमाना कायद, बेमाना रहबर। लेकिन इमाम दीन, इमाम राह, इमाम मजहब रसूल के बाद कौन है, अली इब्ने अबी तालिब है। लेकिन एक मरतबा मैं जबान से कहता हूं कि मौला अली मेरे इमाम हैं, भाई किस चीज में इमाम है, सिर्फ जब हाथ खोल के नमाज पढ़नी है उस वक्त अली तेरे इमाम हैं, जब रोजा रखना है, मौलाना इफ्तारी कब करनी है, क्या उस वक्त छठे इमाम मेरे इमाम हैं, या जिंदगी के हर पहलू में मेरे इमाम हैं, कि मैंने देखना कहाँ है, मैंने खाना कहाँ है, मैंने दोस्ती किससे करनी है, मैंने रिश्ते किससे करने हैं, मेरे कानों से कौन सी आवाजों को सुनना है, कौन सी आवाजों को नहीं सुनना। असल इमाम बनता है पसंद और नापसंद में, कि तू उस चीज से मोहब्बत कर जिससे तेरा इमाम मोहब्बत करता है, तवल्ला। तो उस चीज से नफरत कर जिससे तेरा इमाम नफरत करता है, तबर्रा। कि जब बुढ़िया आई मेरे सातवें इमाम के पास और कहने लगी कि मौला मैं बीमार हूं, और हकीम ने यह कहा है कि अगर शफा चाहिए तो शराब पियो, शराब देते थे ताकि दर्द कम हो जाए इंसान को, तो इमाम ने कहा तू क्या चाहती है, कि मौला मैं आप चाहती हूं। इमाम ने फरमाया अल्लाह ने हराम में शफा रखी ही नहीं है, ये जरूर है कि तुझे तस्कीन मिलेगी हकीम के कहने पे, वो भी हकीम है, जड़ी बूटी शिनास है, तस्कीन तुझे मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह ने हराम में शफा रखी नहीं है। हम पसंद नहीं करते कि तू शराब पी, तो कहती मौला दर्द को सहूंगी, तकलीफ को बर्दाश्त करूंगी, लेकिन आपकी मुखालिफत नहीं करूंगी। अब यहां पे इमाम ने एक जुमला फरमाया, वैसा जुमला जो जनाब सलमान के लिए फरमाया, इतनी इताअत है हमारी। असलन लफ्ज इताअत क्या है, अति अल्लाह व अति रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो। इताअत तब तक मुमकिन नहीं जब तक दिल में मोहब्बत ना हो। बेटा वल्ला बाप की इताअत नहीं कर सकता अगर उसके दिल में बाप का इश्क ना हो, बाप की मोहब्बत ना हो। माँ का अदब और एहतराम बंदा नहीं कर सकता जब तक माँ की मोहब्बत ना हो, माँ का इश्क ना हो। इताअत का ताल्लुक इश्क से है। और किसी से पूछा कि इश्क का मतलब क्या है, का इश्क का मतलब यह है कि बंदा अपनी जात को अपने महबूब के सुपुर्द कर दे, उसके हवाले कर दे। जब इश्क होता है तो मैं मिट जाती है, जब इश्क होता है तो अपनी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं, जब इश्क होता है तो महबूब की ख्वाहिशों पे चलने में ही इंसान को मजा आने लगता है, महबूब की खुशी में बंदा खुश होता है। तो पूछा कि मौला, इमाम ने कहा इतनी इताअत है हमारी, अगर मैं कहूं न खाओ न पियो तो उस दवा को इस्तेमाल नहीं करोगे। अब ये दो तीन रिवायतें मिलती हैं मुख्तलिफ लोगों से, एक रिवायत में सेब है, एक रिवायत में अनार है। अब कहते हैं इमाम के उस हुजरे में या जहां भी थी बूढ़ी आई थी, वहां पे एक सेब पड़ा था, कुछ रिवायत में अनार था, तो इसने सेब उठाया और इमाम के सामने ही उस एक सेब के इसने दो टुकड़े कर दिए। अब एक सेब का मतलब यह है एक ही दरख्त से, एक ही टहनी से वो सेब उतारा गया है, और उसी सेब के ये क्या करती है, दो टुकड़े कर देती है। अब इमाम ने इससे पूछा कि इतनी इताअत करती हो हमारी, इतनी मोहब्बत करती हो हमसे,
उसने सेब के दो टुकड़े किए और इमाम को कहने लगी कि मौला एक टुकड़ा इस हाथ पर है, एक टुकड़ा इस हाथ पर है, अगर कहोगे ना ये हलाल है खाओ तो खाऊंगी, और अगर कहोगे ना ये हराम है न खाओ तो नहीं खाऊंगी। मौला ये भी सवाल नहीं करूंगी कि सेब एक है, आधा हलाल कैसे हुआ आधा हराम कैसे हुआ। इश्क का मतलब है, मोहब्बत का मतलब है बगैर चून और चरा सरख में तस्लीम करना। किसी ने पूरे सफर में इमाम हुसैन से यह नहीं पूछा कि मौला जा रहे हैं हमारे बच्चों का क्या होगा, मौला जा रहे हैं आगे तलवारें हैं। लिखा किसी ने जनाब जैनब के शोहर उनके हुकूमत में रवाबित थे, ताजर आदमी थे, उन्होंने मदीने में मक्के में बड़ी कोशिश की इमाम हुसैन के लिए अमाननामा ले, और अपनी कोशिशों के बाद अमाननामा लेकर भी आए इमाम हुसैन के लिए कि फरमा आप जब तक इस शहर में हैं आपको कोई कुछ नहीं करेगा। एक सेफ्टी लेटर लेकर आए उनके लिए और कहा कि आप न जाइए, कूफे वाले बेवफा हैं, यहाँ पे रहिए, यहाँ पे अमन है। ये अमाननामा लेकर आया हूँ। इमाम फरमाते खैरुल अमान अमानुल्लाह, बेहतरीन अमान अमान परवरदिगार आलम है, मैं अमन इलाही में जिंदगी जी रहा हूँ, कहीं भी जाऊँगा अल्लाह के अमान में हूँ, अल्लाह की निगाह में। किसी ने इमाम से ये नहीं कहा कि मौला आप हमें उस रास्ते पे लेकर जा रहे हैं, इस रास्ते में तो जिंदगी नहीं बचेगी, बच्चे उजड़ जाएंगे, चादरें लुट जाएंगी। नहीं, इमाम का मतलब है इमाम चलता जाए, इक्तदा करता जाए। जब इस मंजिल पे बंदा आ जाए, आज वल्लाह इंसान प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में देखे मेरा इमाम कौन है, तो आसान करके समझा रहा हूं ताकि आप अपनी नस्लों को अपने बच्चों को समझा सकें, पर मैं अपने दिल के अंदर झांक कर देखूं, जो तेरे कल्ब का तेरे दिल का महबूब है वही तेरा इमाम है। अब इमाम को बनाता कौन है? हम कहते हैं इमाम को खुदा बनाता है। औलियाउल्लाह और औलियाउत्तागूत, वली वो होता है जिससे मोहब्बत की जाए, मौला वो होता है जिसे इश्क किया जाए। अल्लाह का बनाया हुआ वली मतलब जिसे अल्लाह ने पसंद किया। फरमाया ना कल मैं अलम उसे दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। अल्लाह से तो हम सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह के महबूब बन जाते हैं तो हम वलीउल्लाह बन जाते हैं। और कायनात में अगर कोई वली बने तो वो अंबिया थे या अंबिया के जानशीन थे या अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, कि जिनकी मोहब्बत से खुदा खुश होता है। कि फरमाया कि फातिमा जिससे गजबनाक हो उससे खुदा गजबनाक होता है। अब फरमाया गजब और खुशी और मोहब्बत ये एहसास से बात नहीं है। आप किसी बंदे को देख के बता सकते हो उसकी आंखें कितनी है, हाथ कितने हैं, कान कितने हैं, सर पे बाल हैं कि नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं है, ये सारे जवाहिर हैं जो देख के बंदा बता सकता है। लेकिन मोहब्बत एक ऐसी कैफियत है जो सीनों के अंदर छुपी होती है, जो बंदे के चेहरों से आया नहीं होती। आप किसी भी बंदे को देख के नहीं बता सकते कि यह मोहब्बत अहलबैत रखता है या नहीं रखता। मोहब्बत एक एहसास बातिन है, मोहब्बत एक कैफियत बातिन है। तभी परवरदिगार आलम ने पूरा सूरा उतार दिया, नाम रखा सूरह मुनाफिकून। हबीब ये जो तेरे सामने आकर बैठते हैं इनके दिलों में कुछ है, इनकी जबानों पर कुछ है, उसे मुनाफिक बोला जाता है। क्योंकि मोहब्बत एक एहसास बातिन है, इंटरनल एहसास है। अब मोहब्बत जाहिर कहां पे होती है? जबान पर। मोहब्बत जाहिर कहां होती है? चेहरे पर। जिससे आप मोहब्बत करते हो उसी की तरह आप अपना हुलिया बनाते जाते हो, जिससे आप मोहब्बत करते हो उसी की तरह बात करना चाहते हो, जिससे आप मोहब्बत करते हो उसी की खुशबू और उसी के रंग में रंगना चाहते हो। क्योंकि मोहब्बत एक एहसास बातिनी है और उसको जाहिर करने के लिए कलाम करना पड़ता है। मवद्दत की पहली मंजिल यह है कि बंदा मवद्दत का इजहार करे। किसके साथ? जबान के साथ। शेर पढ़े अहलबैत के लिए, कसीदा पढ़े अहलबैत के लिए, नारा मसलन मारे अहलबैत अलैहिस्सलाम के लिए, इसे कहते हैं मवद्दत लिसानी। लिसान के साथ इजहार मवद्दत कर रहा है, जबान के साथ इजहार मवद्दत कर रहा है। यह पहली मंजिल और अदना तरीन मंजिल है। और इसी इजहार मवद्दत में कुछ लोगों ने अपनी जबानें गंवाई, इसी इजहार मवद्दत में कुछ लोगों ने कई कुर्बानियां दी। और इजहार मवद्दत में शुआरा आते हैं, नूह खान आते हैं, कई लोग वो जो अहलबैत के लिए अपनी जबान से क्या करते हैं, इजहार मवद्दत करते हैं, जो आसान तरीन मंजिल है लेकिन जिसके दर्जात बहुत आला है।
दूसरी मंजिल इजहार मवद्दत बिल अज़ा व जवारह, अपने बदन के साथ इजहार मवद्दत करना, अपने अज़ा के साथ इजहार मवद्दत करना। जिस मंजिल पर जनाब मैसम तम्मार फाइज थे, जिस मंजिल पर शुहदाए करबला फाइज थे, जिन्होंने अपनी जानों को, अपने जिस्मों को, अपने अज़ा को कटवा दिया राह परवरदिगार आलम और मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद में, जिनमें सर फहरिस्त जनाब मैसम तम्मार हैं। और मौला अली के जमाने में जनाब हुजर इब्न उदय फरमाते, जब हुजर को कहा कि अली की शान में जबान के साथ गुस्ताखी करो, तो फरमाया मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन अपने मौला की कभी गुस्ताखी नहीं करूंगा। फिर खड्डा खोदा, उसमें आग जलाई, कहा हुजर अगर गुस्ताखी नहीं करोगे इसी आग में तुझे जिंदा दरगोर किया जाएगा और जलाया जाएगा। सख्त तरीन सजा इंसान के लिए अगर होती है जिंदा जलना होता है। हुजर ने कहा जला दो। कहा हुजर तलवारों के साथ टुकड़े टुकड़े कर देंगे। खुदा की कसम है अगर जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दो अपने मौला की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करूंगा। परेशान होकर कहने लगे हो जब इतनी धमकियां दे रहे हैं लेकिन असर ही नहीं हो रहा। कि जो कुछ बता रहे हो वो मेरे मौला मुझे पहले ही बता चुके थे, लेकिन मकाम मवद्दत इस मंजिल पर के जबान के साथ भी ऐलान मवद्दत किया, जिस्म को कुर्बान करके भी ऐलान मवद्दत किया। और फरमाते जब आगे बड़े जनाब हुजूर का सर कलम करने के लिए तो दो जवान बेटे सामने खड़े थे, कहा पहले मुझे न मार, मेरे बेटों को मार। परेशानी के आलम में कहा तू कितना संग दिल बाप है, बाप तो दुआएं करता है खुदाया मुझे कभी जवान बेटे का लाशा न दिखाना। तू कैसा बाप है अपनी जिंदगी में बेटों को मरता हुआ देखना चाहता है। कया मसला बेटों की मोहब्बत का नहीं, मसला अली की मोहब्बत का है। मुझे खौफ है कहीं बेटे मुझे मरता हुआ देखें और खौफ की वजह से अली को छोड़ न दें। पहले नजरों के सामने इन्हें जन्नत में भेजूंगा, फिर अली की कदम की बोसी के लिए जाऊंगा। ये मकाम जनाब हुजूर का आज दुनिया याद करती है जनाब हुजूर को। एक मवद्दत बिल लिसान, एक मवद्दत बिल आज़ा व जवारह अपने आज़ा के जरिए, तीसरा मवद्दत का इजहार होता है कलम के जरिए। अब ये तो नहीं कि हर बंदा हर जमाने में अपने बदन के साथ इजहार मवद्दत करे। हाँ कभी मकाम शहादत लेने का मौका है, बंदा शहादत के रास्ते पे चलता है, जबान से बयान करता है फ़ज़ाइल अहले बैत, मवद्दत बिल लिसान है, लेकिन एक मरतबा कलम के साथ साहिब किताब अल गदीर, साहिब बिहारुल अनवार, ये उलमा ने जो इतनी किताबें लिखी फ़ज़ाइल अहले बैत में, ये इजहार मवद्दत किया किसके साथ? कलम के साथ। मुगलों की जब हुकूमत आई, इन मुगलों को मुसलमान किसने बनाया? इन मुगलों को बाद शिया किसने बनाया? आपके बहुत बड़े बड़े उलमा ने, एक आलिम से नाम जहन में नहीं है, लेकिन मुगल बादशाह ने कहा था कि अगर अब मैं मुसलमान तो हो गया हूं लेकिन आप मुझे शिया बना रहे हो तो मकतब हक्कानियत शियत के लिए आपके पास फुर्सत है, दो दिन की या एक हफ्ते की उनको फुर्सत दी थी, आप मेरे लिए किताब लिख कर आए। उन्होंने एक हफ्ते में कतूर बहुत मोटी किताब लिखी दिन रात करके हक्कानियत मकतब अहले बैत के लिए। शहीद अव्वल, शहीद सानी, बड़े बड़े उलमा ने किसके साथ इजहार किया? कलम के साथ इजहार किया मवद्दत का। लेकिन फरमाते हैं आला तरीन दर्जा मवद्दत का है अमल के साथ इजहार करना। कई लोग हैं कलम के साथ कर देते हैं पर अमल नहीं होता, कई लोग हैं जबान के साथ इजहार मवद्दत करते हैं पर अमल नहीं होता। फरमाया आला तरीन दर्जा जो है वो मवद्दत का बिल अमल वल इश्तिहाद है, ये बंदा अपना अमल करके ये बताए कि मेरे वजूद में मवद्दत अहले बैत कितनी है, और उस अमल के रास्ते में इज्तिहाद भी करे, मेहनत भी करे, जहमत भी करे। फरमा जब इस राह पे चलता है ये आला तरीन मंजिल है, और उसके लिए मासूम फरमाते मन मात आला हुब आल मोहम्मद मात शहीदा, जो इनकी मोहब्बत में अमल कर करके दुनिया से चला गया खुदा कहेगा लिखो इसके नाम आमाल में ये शहादत की मौत पा के दुनिया से चला गया। सलावत पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। अब जब तक मोहब्बत न हो, इमाम वो होता है जो मेरा महबूब होता है। अब कायनात में मेरे महबूब बहुत हैं, मोहब्बत में बहुत सारे लोगों से करता हूं, ख्वाहिशात नफसानी की मोहब्बत, शहवानी मोहब्बतें, लेकिन उन मोहब्बतों के बीच में आले रसूल की मोहब्बत कहां पे खड़ी है? अगर वो मोहब्बत अपनी आला तरीन डिग्री पे पहुंच जाती है उसे कहते हैं मकाम मवद्दत। मोहब्बत सबसे करो लेकिन मवद्दत हराम है किसी और से करना। मवद्दत किससे करो? सिर्फ अल्लाह से और आले रसूल से। जिससे मवद्दत होती है उस पे सब कुछ कुर्बान किया जाता है।
अब बंदा किसी खातून के मोहब्बत और इश्क में गिरफ्तार हो गया और मसलन उसने कहा कि अपना इस्लाम छोड़ो फिर मैं तुमसे शादी करूंगी, उसने औरत के लिए अपने मजहब को क्या किया, कुर्बान किया। ये मुवत्तत है। अब उसका इमाम इसकी ये बीवी होगी कयामत के दिन, और इसी के साथ इसे उठाया जाएगा। किसी को कहा कि नेशनलिटी चाहिए, एक वकील थे ऑस्ट्रेलिया में, कहने लगे मौलाना यहां पे बहुत सारे केसेस आते हैं, मौलाना फीस लेना हलाल है हराम है? मैंने कहा कैसे केसेस? का केसेस आते हैं कि कहते हैं मौलाना अपना वकील साहब एक झूठा केस डालिए और उसमें ये जो आजकल एलजीबीटी और सारे चक्कर चल रहे हैं उन्हीं की अकसाम में से एक किस्म हमारे लिए लगा दीजिए कि हम उस खित्ते से हैं और क्योंकि हमारे मुल्क में ये चीज़ बुरी मानी जाती है, एक असाइलम डाल दीजिए। तो कहते मौलाना इसमें पैसा भी ज़्यादा है, पासपोर्ट भी जल्दी मिल जाता है, क्या करना हलाल है या हराम है? मैंने कहा खुद से पूछो, मौलवी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, अल्लाह ने इतनी अकल और इतनी खोपड़ी तो हर बंदे को दी है। भाई अगर मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत है तो इमाम हुसैन का जुमला जो करबला में है कि मुलअत बुतूनुकुम मिनल हराम, कि तुम आज अगर आले रसूल के मुकाबले में आकर खड़े हो गए हो तो इस वजह से क्योंकि तुम्हारी शिकम में हराम का लुकमा ज्यादा जमा हो चुका है। झूठ, लानतुल्लाह अलल कौमिल काज़िबीन, खुदा की लानत है झूठों पर। अब एक बंदा कभी पासपोर्ट के लिए, कभी किसी खातून के लिए, कभी किसी गाड़ी के लिए, ये क्या करता है? कुर्बान करता है, कभी अपना दीन, कभी अपना ईमान, कभी अपने इमोशंस, कभी अपना मजहब। तो यहां पे कुर्बानी देना क्या है? हराम है। मतलब मैंने उसे अपना क्या बना दिया? उस मोहब्बत को मैंने अपना इमाम बना दिया है। अगर हम अपनी नस्लों के दिलों में मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद डालें, ये मातम क्या है? इजहार मोहब्बत है। भाई जब तक दिल में मोहब्बत न हो आंखों से आंसू नहीं गिरता, जब तक अली से मोहब्बत न हो तो फजाइले अली सुन के चेहरे पे आसारे खुशी नहीं आते। इजहार मोहब्बत चेहरे पे होता है ना। फरमाया अगर देखना है बंदा मोमिन है या मुनाफिक है तो जिक्र अली करो, चेहरा देख के पता लग जाएगा मोमिन है या मुनाफिक है। ये मोहब्बत इजहार बात नहीं, मोहब्बत एक कैफियत बात नहीं, लेकिन उसका इजहार कहाँ पे होता है? चेहरों पर होता है, जबान पे होता है, आज़ा और जवारे पे होता है, अमल से होता है कि बंदा किससे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन बारहा कई मजालिस में कह चुका कि आज हमने हमारी नस्लों ने किसी और चीज को अपना इमाम बनाया हुआ है, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पा रहे। भाई रसूल मेरा इमाम है, अली मेरा इमाम है, तो जो नबी ने किया या कहा या जिसकी सिफारिश की वो क्या बना? पहले मुस्तहब बना या वाजिब बना? वाजिब का मतलब वो काम जो अल्लाह को बे इंतहा पसंद है और जिसके न करने पे सजा है। हराम मतलब वो काम जो अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को ना पसंद है, नहीं करोगे तो अल्लाह को खुशी होगी। मुबाह तुम्हारी मर्जी है, करो या ना करो। अब वाजिब का मतलब क्या है? मतलब इस काम के करने से महबूब नाराज होता है। हराम का मतलब इस काम के उस काम के न करने से महबूब नाराज होता है। हराम का मतलब इस काम के करने से महबूब नाराज होता है। मतलब मैंने 24 आवर्स अपने महबूब को क्या रखना है? खुश रखना है। जिस तरह आपका नफ्स है, मन तखज़ इलाहु हवा, खुदा कहता है जिसने अपना इलाह अपना अल्लाह किसे बनाया? अपनी हवा वो हवा से नफ्स को बनाया। अरबी में इलाह का मतलब होता है महबूब, ला इलाह इल्लल्लाह। इसका तर्जुमा ये नहीं कि अल्लाह के सिवा मेरा कोई अल्लाह नहीं, नहीं, ला इलाह मेरा कोई इलाह नहीं अल्लाह के अलावा। क्योंकि बाज लोगों का इलाह बीवी बन जाती है, बाज लोगों का इलाह शोहर बन जाता है, बाज लोगों का इलाह उसके बच्चे बन जाते हैं, बाज लोगों का इलाह उनका माल और दौलत बन जाता है। करबला ने यह बताया अगर इलाह है तो बस परवरदिगार आलम है। अपने महबूब पे अकबर को कुर्बान किया, अपने महबूब पे सैयदा ज़ैनब ने अपनी चादर को कुर्बान किया। और कुर्बान उसको किया जाता है जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मेरी अजीज तरीन चीज है। जिस बच्चे को मां ने सीने से लगाया हुआ है उसी बच्चे को राहे खुदा में जनाब रुबाब ने अली असगर को कुर्बान कर दिया। यह है मन तख़्ज़ इलाहु हवा, जिसने अपना महबूब किसे बनाया है? खुदा को बनाया है। यह मफहूम ला इलाहा इल्लल्लाह है। यह नहीं कि हमने कलमा ला इलाहा कहा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, जब कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो कामयाब हो जाओगे। कामयाबी तब मिलती है जब तुम्हारे कुलूब का महबूब परवरदिगार आलम बन जाए।
अब यहां पे अगर मैंने महबूब को रिप्लेस कर दिया, अल्लाह की जगह पे किसी और को रख लिया, तो ये खोखले कलमे है, ये खोखली शेर व शायरी है, ये खोखले इकरारनामे है। ऐसे जुमलों के लिए इमाम हुसैन फरमाते हैं कि लोगों के लिए दीन लक लक जबान है, ये जबान की चाशनी लेते हैं, मजा लेते हैं, जिस तरह बंदा पान खाता है, चिंगम खाता है, मजा लेता है, लेकिन मजा लेने के बाद उसे क्या कर देता है, फेंक देता है। अगर तुम चंद लम्हों के लिए अल्लाह के जिक्र का मजा ले रहे हो लेकिन अपना महबूब खुदा को नहीं बना रहे, तो तुम्हारा इलाह परवरदिगार आलम नहीं है। जाते जाते इमाम हुसैन के आखिरी जुमले क्या थे, रिजन बिरजा व तस्लीमन ले अमरे ला मअबूद सिवा, ऐ खुदा हुसैन तेरी रजा पे राजी है और तेरे अमर के सामने तस्लीम है। रीजन बताया क्यों, क्योंकि ला मअबूद सिवा, क्योंकि हुसैन के पास तेरे अलावा कोई हुसैन का मअबूद नहीं है, कोई महबूब नहीं है। और मोहब्बत की इंतहा कर दी न सिर्फ इमाम हुसैन ने, जनाब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा है, कहते अर्श इलाही पे मलाइकों का कोहराम बपा है, परवरदिगारा तेरा महबूब तेरा खलील आग में डाला जा रहा है, पर अल्लाह की तरफ से खामोशी। इधर इब्राहिम को देखा, इब्राहिम भी खामोश है, अल्लाह कोई कलाम कर रहा है न इब्राहिम आवाज दे रहा है कि परवरदिगारा मुझे आग से बचा, परवरदिगारा इसने मुरूद की आग से कहा नहीं, इब्राहिम भी जिब्राइल नाज़िल, इब्राहिम सिफारिश करो मैं अल्लाह को कहूं कि तुझे आग से बचाए, कि जिब्राइल तुझे पता है कि मैं गिर रहा हूं, क्या मेरे महबूब को नहीं पता उसका खलील आग में जा रहा है, का अगर उसे बचाना पसंद है तो इब्राहिम को बचना पसंद है, अगर वो मुझे जलता हुआ देखना चाहता है इब्राहिम को जलना पसंद है। जहां अपनी मर्जियां खत्म हो जाएं, जहां खालिक की मर्जी पे बंदा जिंदगी गुजारे। और फरमाते हैं ये भी शैतान का मशवरा था नमरूद को कि मंजनीक उस जमाने में फर्स्ट टाइम मंजनीक बनाई गई, आग इतनी बड़ी थी कि वो परेशान हो गए जनाब इब्राहिम को आग में कैसे फेंका जाए, कोई भी नजदीक जाता तो आग भड़क रही थी, उसके शोले उनको लग रहे थे, तो शैतान ने कोई इनसी लिबासा पहन के और उनको एक मशवरा दिया कि मंजनीक बनाई जाए। मंजनीक में इब्राहिम को डाला गया, हाथों में रस्सियां बांधी गईं, पांवों में रस्सियां बांधी गईं और वहां से दूर से फेंका गया। अब हवा में उड़ते उड़ते जनाब इब्राहिम जब आग में गिरे तो कहते हैं उस आग को खुदा ने गुलो गुलजार बना दिया। इब्राहिम ने इजहार मोहब्बत किया, खुदा ने भी इजहार मोहब्बत किया। ये पहली मंजिल इश्क थी जनाब इब्राहिम की, आग में गिरना। अब तसव्वुर करें कि 60-70 साल की कोई बूढ़ी औरत हो और उसे यह बोला जाए कि खुदा तुझे बच्चा दे रहा है। दो बीबियों ने बच्चे का सुन के गोया चीख उठी थी, एक जनाब मरियम एक जनाब बीबी हाजरा, फरमाए इस उम्र में खुदा बच्चा दे रहा है। कहते बीबी ने अपने चेहरे पे हाथ लगाए कि इस उम्र में और इतने सालों के बाद खुदा बेटा दे। कि बाज लोग कहते मौलाना अल्लाह का करम हुआ 20 साल के बाद अल्लाह ने बच्चा दिया, 25 साल के बाद अल्लाह ने बच्चा दिया। कितनी मोहब्बत होती है उस इंसान को अपने बच्चे से जो 20 साल के बाद हो, 25 साल के बाद हो। मैंने बाज लोगों को मेंटली प्रॉब्लम में देखा कि जब 20 साल के बाद बच्चा हुआ और चंद सालों में बच्चा बीमार हुआ मर गया, तो अकीदों को भी वो ज़ईफ हो गए, इतनी मोहब्बत उस बच्चे से। अब बच्चा नई नई पैदाइश हुई, खुदा के इब्राहिम इस बच्चे को एक ऐसी सरजमीन पर ले जाओ जहाँ पर पानी नहीं, जहां पे जरात नहीं है, शिद्दत गर्मी है। नहीं पूछा खुदाया मेरे बच्चों का क्या होगा, नहीं पूछा खुदाया पानी का बंदोबस्त कौन करेगा, नहीं पूछा खुदाया खाने का क्या होगा। जनाबे हाजरा फरमाती हैं जब इब्राहिम उस जमीन पे मुझे छोड़ के जा रहे थे, मैं आखिर तक इंतजार में थी कि एक बार तो इब्राहिम मुड़ के देखेगा। बीवी की मोहब्बत होती है, नया नया बच्चा पैदा हुआ उसकी मोहब्बत होती है, कहा एक बार तो जनाब इब्राहिम मुड़ के देखेंगे। कहा हमें छोड़ के गए, एक बार भी इब्राहिम ने मुड़ के नहीं देखा। यह है अपने वजूद और अपनी मोहब्बतों को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। और जो बच्चा जवान होता है 13-14 साल का, फिर हुक्म होता है वापस पलटो। पहली रात अपने बच्चे से मिले हैं, सीने से अपने लख्त जिगर को लगाया है और सोने के बाद ख्वाब देखते हैं कि अपने बच्चे को ज़िबा कर रहा। किसी ने मासूम से पूछा कि मौला ख्वाब में क्यों आया, डायरेक्ट जनाब जिब्राइल आते और हुक्म देते इब्राहिम इस्माइल का गला काटो। कहा नहीं, हुक्म की तामील करना, तो अगर आपको भी कोई हुक्म आ जाए डायरेक्ट तो उसकी तामील करनी पड़ती है ना, डायरेक्ट हुक्म। लेकिन अल्लाह ने ख्वाब दिया, क्योंकि ख्वाब आया तो शैतान ने वसवसे
देना शुरू कर दिया। इब्राहिम ये ख्वाब है, लेकिन वो नबीउल्लाह था, वो जानता था अल्लाह का हुक्म ख्वाब में भी कभी वसवसे शैतानी का शिकार नहीं होता। और बेटे से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हारा सर कलम कर रहा हूँ। कि बाबा जब ख्वाब देखा है, जब हुक्म खुदा है, तो इसमें देर कैसी। वालिद इब्राहिम जैसा, बेटा इस्माइल जैसा। लेकिन माँ के इमोशंस को देखते हुए इब्राहिम इस्माइल को लेकर गए। बाज़ उलमा या बाज़ लोग मजालिस में पढ़ते हैं कि जनाब इब्राहिम ने छुरी चलाई नहीं थी, चला रहे थे तो दुम्बा आ गया था। उलमा फरमाते ऐसा नहीं था। बेटे के हाथ पांव बांधे, आंखों पे अपने पट्टियां बांधी, फिजिकली प्रैक्टिकली जनाब इब्राहिम ने जनाब इस्माइल के गले पे छुरी चलाई थी, कुर्बानी दे दी थी। लेकिन यह अलग बात है कि छुरी गला नहीं काट रही थी। तभी फरमाते कि जब जनाब इस्माइल वापस आए और जनाब हाजरा ने गले पे लाल निशान देखे तो रोने लगी कि ये मेरे बेटे के गले पे लाल निशान कैसे, इतनी तेज छुरी चलाई थी कि गले पे निशान आ गए थे। लेकिन फरमाते जब पहली छुरी चलाई तो गला नहीं कटा, फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ के दोबारा छुरी चलाई, गला नहीं कटा। यहां जनाब इब्राहिम को जला लाया, छुरी को पत्थर पे मारा, काए छुरी तो अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रही है, जब खुदा ने कहा है बेटे का गला काटना है तो तू मेरे बेटे का गला काटती क्यों नहीं। कहते बेजबान छुरी से आवाज आई, इब्राहिम करूं तो क्या करूं, जलील कहता है, खलील कहता है काटो, जलील कहता है न काटो। वहां पे अल्लाह ने दुम्बा भेजा था, एजाज इलाही से जनाब इस्माइल को बचाया गया। लेकिन प्रैक्टिकली जनाब इब्राहिम ने ताअत की। ये कुरान मिसालें क्यों दे रहा है कि बंदहाए खुदा जब इश्क है परवरदिगार आलम से, ये राह राह कुर्बानी है, खुदा इज्जतें देता है कुर्बानियां देने वालों को। क्यों जनाब सलमान की पीठ पे रसूल ने हाथ मार के बोला कि इसकी कौम होगी अगर इल्म सुरैया पर भी हो तो वो लेकर आएंगे। क्यों उन शुहदा का जिक्र गैबत इमाम जमाना किताब गैबत नुमानी में आप पढ़ें कि इमाम की गैबत से जहूर से पहले खुदा कौम को लाएगा जिनके ईमान फौलादी ईमान होंगे, ऐसी माएं होंगी जो अपने बच्चों को राह खुदा में कुर्बान करेंगी। क्यों रसूल अपने असहाब की महफिल में बैठ के जब असहाब ने पूछा कि या रसूल अल्लाह हमसे भी बेहतर कोई कौम है कि हमने आपके हाथों पर ईमान लाया, हमने आपकी मदद की, कहा तुमसे बेहतर भी खुदा कौम लाए। कहते कयामत के दिन सब उस कौम को देख के हालत गिबते में चले जाएंगे, हसरत खाएंगे हमेशा होते, या रसूल कौन है, हमने आपके आप पर जाने कुर्बान की, हमने बच्चे कुर्बान किए, हमने माल कुर्बान किया, हमने हिजरतें की आपके लिए, हमसे बेहतर भी कोई कौम है। फरमाए तुम सब ने मुझे देख कर कुर्बानियां दी, लेकिन एक कौम आएगी जिन्होंने मोहम्मद को देखा नहीं होगा लेकिन अपने बच्चे मोहम्मद के लिए कुर्बान करें, जिन्होंने अली मुर्तजा को देखा नहीं होगा लेकिन नाम अली पे और नाम जहरा पे अपनी नस्लों को कुर्बान कर देंगे। उस कौम की मिसाल इनकलाब इस्लामी के बाद आपको नजर आती है कि एक एक मां ने अपने पांच पांच बच्चे कुर्बान किए। तारीख में बेनजीर है ईरान के शहदा की मिसाल, 2.5 लाख के करीब शहीद। एक मरतबा आदमी शहीद होता है गैर इरादी शहीद, रोड पर जा रहा है किसी ने गोली मार दी, किसी हादसे में किसी बम में शहीद हो गया, वो भी शहीद है, लेकिन एक इरादी शहीद है कि इमाम के कहने पे नहीं, इमाम जमाना के कहने पे नहीं, रसूल खुदा के कहने पे नहीं, एक आलिम के कहने पर। और इस कदर मोहब्बत उस आलिम से कि औरतों ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। अहले सुन्नत का आलिम है डॉक्टर रिसार, कहता है जब मैंने ये देखा था कि शाह की टैंकें खड़ी थी और माएं अपने 6 महीने के बच्चों को, दूध पीते बच्चों को सीने से लगा के शाह की टैंकों के सामने खड़ी हो गई, कि उस वक्त मैंने ये बोल दिया था कि इस कौम को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि इस कौम ने अगर जज्बा लिया है तो मैदान करबला से जज्बा लिया है। खुदा इज्जत देता है जब आप इस जज्बे पे आके खड़े हो जाते हैं, खुदा लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत को नाफिज कर देता है जब आप इस जज्बे पे खड़े। एक तरफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोपेगंडा मकतब तशय्यो के खिलाफ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, फिरके बनाए गए, मजहब बनाए गए, मुफ्ती खरीदे गए, मौलवी खरीदे गए, मिंबर खरीदे गए, लाउड स्पीकर्स खरीदे गए, चैनल्स बनाए गए, किताबें बनाई गई, लेकिन सारी मेहनतों के बाद आज खुदा ने इज्जत किसको दी है?
वाकई आज आलम इस्लाम में अगर वक्त के जालिम के सामने, वक्त के यजीद के सामने अगर किसी में हिम्मत है आंखों में आंखें डाल के बात करने की, वो अली इब्न अबी तालिब के जाने वाले हैं। ये कोई अपने कसीदे या मियां मिठू बनने वाली बातें नहीं है, ये स्टेटमेंट्स मौजूद हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर या जो भी है नेतन्याहू की। जब उससे पूछा जाता है कि हमें तीन मुस्लिम ममालिक के नाम बताओ जिनसे आपको बड़ा खतरा है, ऑप्शन दिए जाते हैं तीन बताओ, तो वो तीनों नामों में एक ही मुस्लिम कंट्री का नाम लेता है और वो वही मुल्क था जो हैदर कर्रार कमाने वाला था। ये शुजाअत, ये उबूहत जो खुदा ने आपको दी है, ये क्यों दिए? वरना खिलाना पिलाना, बच्चों के लिए गाड़ियां लेना, घर लेना, ये तो बहुत सारे लोग करते हैं। असल जो चीज आपने अपनी नस्लों को मुंतकिल करनी है वो जज्बे अमीरुल मोमिनीन है, वो इश्क अमीरुल मोमिनीन है, वो अली इब्न अबी तालिब की राह और रस्म पे चलना है। तभी हर मुल्क को इन्होंने ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाला, FETF ने कुछ कवानीन बनाए, लेकिन आज तक हमारे हुक्मरान अपनी कौमों को बताते नहीं है कि भाई FETF के कवानीन थे क्या। अब वो खुशी की जाती है, हम ग्रे लिस्ट से निकल गए, हम ब्लैक लिस्ट से निकल गए। भाई कैसे निकले तुम, वो कवानीन है क्या? आखिरी जमाने में दज्जाल आएगा, तुम्हारा माल, तुम्हारे खाने को, तुम्हारे पेटों पे लात मारेगा कि अगर मेरी बात को नहीं मानोगे मैं तुम्हारे लिए जमीन को तंग कर दूंगा। और फरमा जो उसके सामने खड़े होंगे, ये लफ्ज जो आप सैंक्शन का सुनते हैं यही है, फारसी में तहरीम बोलते हैं, सैंक्शन। सैंक्शन किस चीज का होता है? पैसे के सैंक्शन होते हैं ना, बैंकिंग बंद कर देंगे, ताल्लुकात बंद कर देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद कर देंगे। लेकिन वो शिकें, वो बातें जो बताई गई थी, अगर अमल नहीं करोगे तो आपके मुल्क को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। ज्यादा उसकी तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन उन बातों में से एक बात यह थी कि आप अपनी कौमों को अपने शहदा के तारीफी जुमलात और नाम अपने बच्चों को नहीं बताओगे। ईरान के करंसी का नोट होता था, वहां पे नोट पे शहीद फहमीदी फहमीदे की पिक्चर होती थी। शहीद फहमीदे को 14 साल का बच्चा था, जंग के दौरान हर जगह पे इराकीज का कब्जा हो गया था और एक टैंक इराकियों का आ रहा था। अगर वो टैंक उस संगर को पार कर देता तो समझिए कि वो पूरा खिता उनके कब्जे में, इनके पास कुछ भी नहीं था। तो शहीद फहमीदे वो बच्चा था जिसने उस टैंक के नीचे जाके अपनी जान की कुर्बानी दी और उस टैंक को क्या किया था, तबाह किया था। एक शर्त ये थी, आप अपने बच्चों को शहदा का दर्श नहीं दोगे, फिदाकारी का दर्श, इश्क मोहम्मद और आले मोहम्मद का दर्श आप नहीं दोगे। जिस तरह पाकिस्तान में शहीद भट्टी और फना फला, ये सारी किताबों से किस्से निकाल दो। क्योंकि जब आप किसी को हीरो बनाते हो और उस हीरो से नस्लें मोहब्बत करती हैं, और जब मोहब्बत करती हैं तो उसके रास्ते पे, उसकी खत पे वो चलना चाहते हैं ना। आज जंग ये है कि खुमैनी को हीरो ना बनाओ इस कौम का, सैयद अली को हीरो ना बनाओ इस कौम का, सैयद हसन को हीरो ना बनाओ इस कौम का, क्योंकि हीरो बनाओगे तो ये कौम उसके पीछे चलेंगी। हाँ, अगर कोई नशाई है, कोई मवाली है, कोई बाबा है, कोई दिन रात बैठ के अल्लाह हु करवाने वाला है, उसे हीरो बना दो, कोई मसला नहीं है। बंद कमरों में बैठकर अल्लाह का नाम लेने वालों को इनका हीरो बनाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसे को हीरो ना बनाओ जो मुर्दा कौमों को जिंदा करते हैं, जो कौमों को नए रास्ते, नए निजामों की तरफ लेकर जाते हो, इनको कभी, क्योंकि हीरो बन गया तो क्रिकेटर इसका हीरो बन जाए, कोई मसला नहीं। आप स्टार बोलते हो ना, ये बॉलीवुड के हीरो, ये हॉलीवुड के हीरो, हाँ ये हीरो बन जाए, कोई मसला नहीं है। वो तो चाहते ही हैं ये हीरो बने, ये फुटबॉलर हीरो बने, क्रिकेटर हीरो बने, ये बच्चा उसका फॉलोवर बने, सुबह से शाम तक एक फुटबॉलर के पीछे दौड़ता रहे, उसी की तरह कपड़े पहनना चाहे, उसी की तरह बाल बनाना चाहे। इस खातून का अगर हीरो बनाना है तो एक्ट्रेसेस को हीरो बनाओ। ये नबी बातिल है, ये जो फिल्मों के डायरेक्टर हैं, ये जो ड्रामों के, क्या बनाते हैं आपके बच्चों के लिए? ये कैरेक्टर्स बनाते हैं, ये हीरो बनाते हैं। किसको हीरो बना रहा है?
एक मुआशरे का सबसे करप्ट तरीन जो कैरेक्टर होता है वो हीरो होता है। आज वो जो मेयार थे, जो वैल्यूज थी, वो मुआशरे से खत्म हो गई हैं। पहले वैल्यू ये थी कि बंदे का कैरेक्टर देखा जाता था, बंदे की सिफात देखी जाती थी, बंदे का किरदार देखा जाता था, फिर मुआशरा उसको स्टेज पे लाता था या आपको बच्चों के सामने लाता था। आज मेयार क्या बना? व्यूअरशिप। व्यूअरशिप किस रास्ते से मिली ये मेयार नहीं है। कुछ भी करके व्यूअरशिप हासिल करो, कपड़े उतार के व्यूअरशिप मिलती है कोई मसला नहीं, लो व्यूअरशिप। लोगों को तंग करके व्यूअरशिप मिलती है कोई बात नहीं, लो। किसी के सर पे पानी फेंक कर, किसी के चेहरे पे केक मार कर, उल्टे फुलटे हरकतें करके व्यूअरशिप लेनी है ले लो। जब व्यूअरशिप मिल गई आप इमाम बातिल बने। और वो जो व्यूअरशिप के पीछे थे वो कौम थी जो आपकी इत्तबा करती है। फिर इन्हीं को स्टेज पे लाया जाता है, जब स्टेज पे आ गए तो गोया इमाम बन गए ना। आप अपनी इमाम बारगाहों में, आप अपनी मस्जिदों में, आप अपने घरों में किसके फोटो लगाते हो जो आपके रोल मॉडल होते हैं? आज मोबाइलों में, आज टीवी पे, आज सिनेमा में किन के पोस्टर्स लगते हैं? ये इमाम बातिल हैं। एक घंटा अपने बच्चों के दिलों में आप मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद डालते हो और 23 घंटे वो आपकी नस्लों के दिलों में बातिल की मोहब्बत डालते रहते। ये वो फिक्र थी जो अहले बैत देना चाहते थे कि बंदे खुदा अपनी नस्लों को ये समझाओ कि उनकी सिलेक्शन अक्ल की बुनियाद पे होनी चाहिए। जब ये शिनास आ गई ना कि बातिल क्या है, हक क्या है। एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर अगर कोई अंग्रेज है, मुसलमान नहीं है, साफ सुथरा बंदा, लेकिन उसे ये तमीज नहीं है कि नजिस क्या होता है, पाक क्या होता है। एयरपोर्ट पे आप देखते हो, जगह जगहों पे आप देखते हो, पढ़ा लिखा बंदा लेकिन पता ही नहीं उसे निजासत क्या है, पाकीज़गी क्या है। लेकिन एक देहात का अनपढ़ होता है, मुसलमान हो, लेकिन उसे ये पता होता है नजिस क्या है, पाक क्या है। 4 रकत पढ़ा दे वो भी इमाम है, और जब उससे पूछा जाए जनाब 4 रकत क्यों पढ़ाई कर, अल्लाह का शुक्र कर मैंने कम तो नहीं किया, ज्यादा पढ़ा दिया, चलो सब जाओ सवाब लो। ये शिनास अल्लाह ने आपको दी कि इमाम हर कोई नहीं होता। जब इमाम तक ये शिनास है, आपको लाखों डॉलर्स दिए जाएं, आप अपने इमाम को बदलने के लिए तैयार नहीं हो और दलील देते हो कि अली को अगर बदलना भी है तो अली से बेहतर लाकर दिखाओ, तो अपनी जिंदगी की सिलेक्शंस और चॉइसेस में आप क्यों उस अक्ल को छोड़ देते हो? क्यों ऐसी चीजों को अपना महबूब बनाते हो जो निजासत से भरी हुई है? आज 2 गिलास अपने बच्चे के सामने रखो, एक मसलन पानी का गिलास रखो, एक गिलास बस मिसाल दे रहा हूं किसी निजासत का हो। ये शिनास है ना बच्चे को कि बेटा इसको उठाना है, इसको नहीं उठाना, ये नजिस है, ये पाक है। जब शिनास दे दी ना, ये तरबियत दे दी, अब ये बच्चा माशरे में चला जाएगा, इसके सामने भी जब 2 गिलास आएंगे ना, एक निजासत का होगा, एक तहारत का होगा, ये किसे उठाएगा? तहारत को उठाएगा। ये सिलेक्शन एंड रिलेशन, ये 2 चीजें अगर हमने अपने बच्चों को समझा दी कि बेटा मोहब्बत भी बिल्कुल इसी तरह है, दुकानों में जाते हो, मॉल्स में जाते हो, ये पूरी कायनात समझो एक विट्रीन में तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। वो चलते फिरते इंसान हो, वो चलते फिरते हैवान हो, ये मटेरियल चीजें हो, ये सब तुझे अपनी तरफ बुलाती हैं, इनके अंदर खिंचाव है, इनके अंदर अट्रैक्शन है। ये जो लग्जरी लाइफ है ये तुझे अपनी तरफ बुलाती है। हर बंदा दावत दे रहा है इस माशरे में, एक दरख्त भी अगर खूबसूरत दरख्त खड़ा है वो भी तुझे अपनी तरफ खींच रहा है, दावत दे रहा है। खूबसूरत चेहरा भी तुझे अपनी तरफ बुलाता है, अच्छी आवाज भी तुझे अपनी तरफ बुलाती है, एक महंगी गाड़ी भी तुझे अपनी तरफ बुलाती है। उस चीज में तब तक मेरे लिए कशिश नहीं जब तक उसकी मोहब्बत मेरे दिल में नहीं। बिजनेस जो पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, कहते हैं कि सेल वही होती है जहां डिमांड हो। ये उसूल है बिजनेस का, डिमांड नहीं तो सेल नहीं। अगर मुझे पता है यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है तो वहां मैं निहारी बनाऊंगा तो बिकेगी, बिरयानी भी बिकेगी, लेकिन पता है सारे गोरों की कम्युनिटी है, वहां पिज्जा बिकेगा, बर्गर बिकेगा। अब बेवकूफ बंदा होगा ना जो गोरों की कम्युनिटी में बिरयानी बेचना शुरू कर दे, डिमांड ही नहीं है। इतनी अकल तो एक फकीर को भी है। पाकिस्तान में हम गाड़ी चलाते हैं तो ये फकीर बड़े शाने होते हैं, आ गया खिड़की के किनारे खड़ा हो गया, पहले कहते अल्लाह के नाम पे कुछ दें, फिर पूरी गाड़ी को देखता है। अब कहीं पे आली मदद का टैग लगा है या सर पे अमामा पड़ा है, फौरन कहते हैं पंचतन के सदक़े में दीजिए, हाँ अली के सदक़े में, हुसैन के सदक़े में, अल्लाह तुझे नवाजे। फिर आपने कुछ दे दिया, गाड़ी आगे गई, फिर पीछे से अगर किसी मुफ्ती की गाड़ी आ जाए
जिसकी मूछों को तूफान उड़ा के ले गया है, उसे कभी बोलेगा अली के सदके में दो? फकीर को भी पता है कि किसको कौन सा वास्ता देना है, वो आपकी मोहब्बतों को देख के डिमांड करना शुरू कर देता है। उसूल है, मैंने अगर मिंबर पे बैठ के कोई चीज बेचनी है तो कैसे बेचूंगा? पहले किसी चीज की मोहब्बत डालूंगा आपके दिल में। हमारे एक मौलाना मरहूम कहते हैं, मौलाना खवातीन इन्हें बड़ा पसंद करती थी। मैंने कहा यकीनन तावीज देता होगा। हर बंदे को साइकोलॉजी का पता लग जाता है कि बच्चे को क्या बेचना है, जवान को क्या बेचना है, बूढ़े को क्या बेचना है, मर्दों की कमजोरी क्या है। हर किसी को पता है, नब्ज हाथ में होती है। जब आपको इतनी शिनास है, शैतान को नहीं पता, शैतान को नहीं पता किसको क्या करना है। युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, वो तुम्हारे सीनों में बातिल के वसवसे लाता है, पहले मोहब्बतें भरता है। अब भाई शैतान के भी तो कुछ टूल्स हैं, अवजार हैं, आलात हैं, किसके जरिए गुमराह करता है हमारी नस्लों को? यही मीडिया, यही मोबाइल, यही टीवी, यही सिनेमा। अपने अपने इमामों को लाता है, उनको अपने बच्चे आपके नस्लों का महबूब बनाता है, फिर उसके जरिए प्रोडक्ट बिचवाता है, उसके जरिए फैशन बनाता है, उसके जरिए पूरे मुआशरे को क्या करता है, अपने कब्जे में ले लेता है। और इस दौर में अगर इमाम हुसैन का कोई टीवी है तो वो मिंबर हुसैन। ये वो निअमत है जो इमाम हुसैन ने आपको दी हुई है, वरना मकतब अहले बैत से अगर मजलिस को निकाला जाए, वल्ला क्या बचता है हमारे पास? यही तो आलम इस्लाम में मकतब तशय्यो से सबसे बड़ा मसला है कि अपनी मजलिसें खत्म कर दो। वो कहते हैं पूरा साल 11 महीने शैतान मेहनत करता है, हुसैन का एक महीना उसकी मेहनतों पर पानी फेर देता है। लेकिन यह कब होगा? जब आपके बच्चे मिंबर के करीब होंगे, जब हम इस फिक्र में होंगे कि मौलाना बच्चे ने स्कूल में जाना है, बच्चे ने ये करना है, वो करना है, माल दुनिया आ जाता है। बंदे खुदा 6-7 साल 10 साल इतनी मेहनत कर के इसके कल्ब को हुसैन का आशिक बना। ये जो दिल है ये हुसैन के लिए धड़के, यार इब्न अबी तालिब के लिए धड़के। कम अज कम साल में एक सफर अरबईन इस बच्चे को ले जा। वो कल की मजलिस में मैं गुफ्तगू करूंगा कि आसार गुमराही और आसार हिदायत, स्पेशली इन वेस्टर्न माशरों में 3-4 पॉइंट अगर आप उसको फॉलो करें, आपकी नस्लें आशिक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद बन सकती हैं। आज वाकई बच्चों की सिलेक्शन देखा करो, बच्चा किसे चुनता है। अगर बोलते हो बेटा मजलिस पे जाना है, चेक किया करो, शौक है उसका, असलन कोई कशिश है उसके अंदर, अट्रैक्शन है, बेटा जनाब सैयदा की मजलिस है, मौला हुसैन की मजलिस है, अगर वो खिंचाव उसके अंदर है, काम आपका पूरा है। लेकिन वो कहता नहीं, आज थका हुआ, आज मूड नहीं, आज फुटबॉल खेलने जाना है। मतलब फुटबॉल की मोहब्बत ज्यादा है, दोस्तों की मोहब्बत ज्यादा है, हुसैन की मोहब्बत अभी तक नहीं है। हाँ शिया बच्चा है, मोहब्बत इतनी नहीं है कि वो उस छोटे से फुटबॉल के मैच को क्या कर सके, कुर्बान कर सके। एक खातून ने कहा मौलाना बेटी को कहा कि मजलिस पे जाने, पाकिस्तान का हाल बता रहा हूँ, मजलिस पे जाने का ड्रामा आ रहा है, वो एक हफ्ते से वेट कर रही हूँ। अब पता भी है रिपीटेशन इस ड्रामे की आएगी, बड़े से बड़ा मैच और रिजल्ट तो आना है, सेव हो जानी है चीजें। लेकिन ये लम्हे या लैत शबाब मता यऊद, वक्त नहीं पलटता, लम्हे नहीं पलट के आते। जब आगा गुलपाए गानी बेटे के ख्वाब में आए आगा इस्वानी, पूछा कि बाबा अगर वापस आपको जिंदा किया जाए एक दिन के लिए, जिंदगी में कौन सा काम आप करेंगे? आपके ख्वाब में आवाज बहजत आ जाएं, आवाज खुमैनी आ जाएं, शहीद कासिम आ जाएं, और आप ये पूछो कि भाई जिंदगी में एक दिन फिर दुनिया में मिले, आप कौन सा काम करोगे? तो आवाज गुलपायगानी कहते हैं बेटा इमाम रजा की ज्यारत पे जाऊंगा एक दिन। मतलब पूरी जिंदगी का खुलासा बताया कि वो अमल करूंगा। रीजन पूछा बाबा क्यों? का मसलन अगर मैं इमाम रजा की ज्यारत जिंदगी में 30 बार गया था मसलन, तो हर ज्यारत के बदले में इमाम 3 मरतबा आलम बरजख में मुझसे मिलने के लिए आए। ये अवहाम जिनके पीछे हम लगे हुए हैं कि हमने वहमी मोहब्बतें बनाई हुई हैं कि गाड़ी मुझे कुछ देगी या ये चीजें, हाँ जरूरत जिंदगी है पूरा करो, दिल ना लगाओ इन चीजों से, जरूरत है, इंसान की नीड है, बेड इंसान की नीड है, खाना इंसान की, लेकिन बंदा बिरयानी का आशिक बन जाए
जिसको उर्दू में हम पेटू बोलते हैं। सिफात अमीर मोमिनीन ने सिफात पेटू शिया, हर चीज की एक शहवत होती है ना, आंखों की, पेट की। फरमाया नहीं, हमारा नहीं। मतलब हम गम ये हो कि आज एंड ऑफ वीक है, हमने कहां जाना है, किस होटल पे जाना है, कौन सा खाना खाना है। कि पाकिस्तान में हमारे पास यूथ ऐसे हैं जिनका ये शुगल होता है, पैसा अल्लाह ने दिया होता है, डेली सेटिंग करते हैं आज उस होटल पे खाना है, 20-20 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर का सफर करके शिकम की खातिर। भी खाना खाना बुरी बात नहीं, लेकिन आपका शुगल बन जाए। इंतजार करते हो मौला हुसैन की मजलिस में कब जाऊंगा, मातमदारी कब करूंगा, गिरिया कब करूंगा, अगला साल कब आएगा हुसैन करबाइन पे कब जाऊंगा। हम गम बन चुका है, बेटे को किस तरह सही करना है, बेटी को, हम और गम। मतलब मेरी जिंदगी का पूरा फोकस इस चीज पे लगा हुआ है। एक बंदा सुबह उठता दोस्त को फोन करता है, शाम किस होटल पे जाना है। अगर कोई चीज तेरा हम तुम्हारी पूरी तवज्जोहात और अट्रैक्शन उसकी तरफ है, वो तुम्हारा इमाम है, वो तुम्हारा महबूब है। हमारे एक दोस्त थे पेशावर के, कहते बस मौलाना जवानी का पता नहीं था, दुबई में काम करते थे, कमाई बहुत ज्यादा थी। कहते हैं दुबई में खमीस और जुम्मा, शबे जुम्मा और जुम्मा छुट्टी होती है। कह रहे टिकट उस वक्त पैसा था, कह रहे दुबई से टिकट लेते थे शबे जुम्मा जब छुट्टी मिलती थी, कराची आते थे, कराची से हैदराबाद जाते थे, मछली खा के फिर जुमे को दुबई वापस जाते थे। शिकम की खातिर दुबई से बंदा मछली खाने आते थे हैदराबाद। लेकिन अली रात के अंधेरों में सफर करते थे यतीमों की शिकम को भरने के लिए, पूरी रात किसी फकीर के साथ बैठे हुए अपने हाथों से खाना खिला रहे। जिंदगी गुजर गई, सैयदा फातिमा ने अली से कुछ नहीं मांगा। घर आए, बीबी बीमार थी, बिस्तर पे लेटी हुई थी। अब शोहर भी बीवी से मोहब्बत करे तो उसका भी दिल होता है ना कि मेरा महबूब मुझसे कुछ मांगे। ये वाकयात जब सुनते हैं तो देखो खुदा ने किस तरह से बताया है कि देख कि फातिमा कभी शोहर से ऐसी डिमांड न करना। नुकता है कि बीवियां सोचें कि वाकया तरबियत देना भी सैयदा क्या है। मौला ने इसरार किया कि सैयदा मैं खुद कह रहा हूं आज मेरा दिल है कि आपके लिए कुछ लाऊं। तो फरमाया कि अली दिल है कि मैं अनार खाऊं। खुशी खुशी मौला अली बाहर निकले। पंबर कहते हैं हम बाजार में गए, फ्रूट की जो दुकानें थी एक एक पे पूछते गए, अनार है अनार है। सबने कहा अली अल मुर्तजा अनार का मौसम खत्म हो चुका है, किसी एक दुकान पर भी अनार नहीं मिला। अब आप इम्तिहान देखें कि पहली मर्तबा सैयदा ने कुछ मांगा है और अनार का मौसम नहीं है। कोई शायद किसी के जहन में सवाल, मौला अली मौजजा कर देते, जब चश्मे जारी कर देते हैं कि इशारा करते सारे अनार आ जाते। अहले बैत ने कभी भी अपनी जात के लिए कोई मौजजा नहीं किया, मौजजे सिर्फ हिदायत के लिए। इमामत पे किसी ने शक किया, मौजजा कर दिया। वली होने पे किसी ने शक किया, मौजजा कर दिया। अल्लाह की उलूहियत को साबित करने के लिए मौजजा कर दिया। किसी ने कहा कि या अली एक यहूदी है वो अनारों को स्टोर करता है, शायद उसके पास आपको मिल जाए। जाते हैं उस यहूदी के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, बाहर आता है, फरमाया कि मैंने सुना है कि तू अनार रखता है। कहा या अली एक ही अनार है बाकी वो मैंने अपनी जोजा के लिए रखा है। इमाम ने फरमा कीमत क्या है, उसने कहा 2 दिरहम है। कहा मैं तुझे 4 दिरहम देता हूं, डबल कीमत देता हूं, तू अनार दे दे। काली जोजा के लिए रखा है। उसकी जोजा दरवाजे के पीछे सुन रही थी, शोहर को बुलाया, अल्लाह का शुक्र कर आज अली तुझसे कुछ मांगने आया है। यहूदी थे पर शिनास रखते थे, काली को खाली हाथ में लौटा, मेरे लिए रखा है, मैं देती हूं मेरी तरफ से, शायद मेरे लिए कुछ दुआ या जुमले बोलते। उसने लाकर अनार दिया, इमाम ने 2 दिरहम की जगह पे 4 दिए। कहा मुझे नहीं चाहिए। कहा नहीं, ये सैयदा की तरफ से अपनी बीवी को देना। महबूब और महबूब की चाहत और महबूब के लिए कोई चीज लाना, लेकिन बार बार इन मोहब्बतों का टकराव होता है। अब अनार लेके कंबर के साथ जा रहे हैं, किसी खराबे से किसी फकीर की आवाज आई, कई दिन गुजर गए मैंने कुछ खाया नहीं है,
कैसे मुमकिन है अली आवाज सुने और न जाए, फौरन खराबे में आए। फकीर देखा आंखों से नाबीना है, इमाम साथ बैठे का फकीर, कुछ नहीं खाया का नहीं कुछ नहीं खाया का, अपने गुलाम को कहता हूं तेरे लिए जो की रोटी लाए खजूर लाए। कहता है मेरा दिल है अनार खाऊं। ये इम्तहान मोहब्बत है। मासूम फरमाते फकीर की सदा ऐसे समझो अल्लाह की सदा है जो तेरे करीब आ रही है। फकीर मांग रहा है आप राह खुदा में देते हो, फकीर को देना अपनी मोहब्बत तो नहीं अल्लाह की मोहब्बत है, अनार ले जाना सैयदा की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है। उलमा फरमाते मौला ये भी तो बोल सकते थे ना, अनार का मौसम नहीं है, फकीर है नाबीना, उसे क्या पता अमीरुल मोमिनीन के हाथ में अनार है। बोल देते फकीर अनार का मौसम नहीं है खजूरें देता हूं, पर ये अली है का तेरी किस्मत अच्छी है कि अली के हाथ में एक अनार है। लेकिन देखो मेरा कोई बीमार है, उसने भी मुझसे अनार का बोला था, तो एक काम करता हूं उसके दो हिस्से करता हूं, आधा तू खा आधा मैं अपने बीमार के लिए ले जाता हूं। फकीर ने कहा ठीक है। तारीख लिखती अली ने अपने हाथों से अनार के दो टुकड़े किए। मोहब्बत इतनी फकीर से खुद दाने निकाले, अपने हाथों से इस नाबीना को आधे अनार के दाने खिलाए। अब अगर बोलो तो मैं रुखसत हो जाऊं। इसने कहा बंदे खुदा ऐसा नहीं हो सकता, दूसरा आधा भी मुझे दे दो, मेरा दिल है। अब एक तरफ बीवी की मोहब्बत है, एक तरफ वो फकीर है जिसे अली खुदा की मोहब्बत में खिला रहे हैं। रिजन बे रिजा दूसरा आधा अनार भी अली ने दे दिया। फरमाते मौला जब घर जा रहे थे, यकीनन शोहर हैं सोच रहे होंगे कि सैयदा पूछेंगी अली अनार मिला कि नहीं मिला, और बोलूंगा सैयदा मिला था फकीर को दे दिया। लेकिन अली को इत्मीनान है क्योंकि जोजा फातिमा है, जो क़िबला मोहब्बत अली का है वही क़िबला मोहब्बत सैयदा फातिमा का है। लेकिन अगर कोई आम बीवी होती और शोहर ये बोलता कि मैंने फकीर को दे दिया, क्या आलम होना था। जब मोहब्बतें एक हो जाती हैं तो घर में सुकून आता है। जब बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, बच्चे की मोहब्बत, माँ हाजरा जैसी, बाप इब्राहिम जैसा, बच्चा इस्माइल जैसा, तो घर में सुकून आता है। बाप हुसैन जैसा, बच्चा अकबर जैसा, भाई अब्बास जैसा, बहन ज़ैनब जैसी, घर सुकून वाला बन जाए, क्योंकि सब की मोहब्बतों का क़िबला एक है। यहां नमाज जमात होती है, इख्तलाफ क्यों नहीं होता, क्योंकि क़िबला काबा है और क़िबला एक है। जब कल्ब के किबले की मोहब्बतें इधर उधर हो जाती हैं तो इख्तलाफात जन्म लेते हैं। फरमाते हैं घर गए, अजीब मंजर देखा अमीरुल मोमिनीन ने, जब घर से निकले थे तो सैयदा बीमार बिस्तर पर, उठने की ताकत तो तमन्नाई नहीं। जैसे मौला ने घर का दरवाजा खोला क्या देखा, सैयदा घर के सहन को झाड़ू दे रही है, तबीयत ठीक हो चुकी है। फरमाया ए दुख्तरे रसूल आप तो बीमार थी अचानक से ठीक हो गई। पर मैं अली अचानक से नहीं हुई का क्या हुआ, काली जो अनार तूने भेजे थे का मैंने कौन से अनार भेजे थे, का कोई दरवाजे पर आया अनारों की पूरी पैती लेकर आया और कहने लगा कि ये अनार अली ने फातिमा के लिए भेजे थे, अल्लाह की राह में एक दिया, अल्लाह ने जिब्राइल के हाथों कई अनार करके भेज दिए। ये वो घराना है जिस घराने से हमने सीख के अपने घरानों में सुकून उल्फत को पैदा करना है। तभी फरमाया खुलूस दिल से मेरे हुसैन को सलाम करो, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करता है। सारा मामला खुलूस का है और इश्क का है। अगर सलवात लंदन से भी खुलूस से भेजी जाए तो इमाम हुसैन फरमाते हम कहेंगे लिखो इसके नाम आमाल में इसने सवाब ज़ियारत हुसैन कमा दिया। पूछने वाले ने कहा कि मौला एक सलाम से सवाब ज़ियारत, फरमाया अगर सलाम करो न चाहते हुए तेरी आंखों में आंसू आ जाएं, ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया। ये पुरसेदारी के दिन है, दिलों को करबला ले जाएं और नाम हुसैन की मोहब्बत अपने और अपनी नस्लों के दिलों में पैदा करें। السلام على الحسين وعلى
حسین سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ میرا سلام ہو ان ننے سے زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا تھا میں نے کل اور پرسوں بھی مجلس میں عرض کیا تھا اگر مدینے میں زہرا کو تماچا نہ مارا جاتا کبھی کربلا میں چار سالا بچی کو تماچ نہ مار جاتے اگر کربلا میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی یہ نتیجہ تھا کیونکہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی اگر مدینے میں سیدہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی کبھی چار سالہ بچی کو جلنے میں دیواروں کا سہارا نہ لینا پڑتا رو رو کے کہتی تھی میرا غریب الوطن بابا میرے پیاس بابا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولو سکینہ کے زخمی رخسار دیکھو بابا میں نے سنا تھا دادی زہرا کے بال جوانی میں سفید ہوئے تھے لیکن بابا تیری سکینہ کے بال بچپنے میں سفید ہو گئے بابا میں نے سنا تھا دادی زہرا کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی لیکن بابا تیری سکینہ کی کمر بچپن میں جھک گئی مدینہ میں جب علی زہرا کو غسل دے رہے تھے او دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور جب زندان شام میں غسالہ چار سالہ بچی کو غسل دینے لگے امام زین العابدین کی فریاد بلند خدا کی قسم اگر مدینہ میں ظلم نہ ہوتا کبھی کربلا میں اتنا ظلم نہ ہوتا
नन्नी सी सकीना को सानिया जहरा बोला जाता है। रसूल के बाद सैयदा को मुसलमानों ने रोने नहीं दिया। करबला में सकीना जब जब बाबा के लिए रोना चाहती थी, कभी शिमर तमाचे मारता था, कभी लाल मरता दिया ने मारते। गुसल दिया, कफन दिया, सैयदा का पाक जनाजा अली ने घर के सहन में रखा। मैं अक्सर दुआ करता हूँ, खुदा बचपन में किसी बच्चे को यतीम न बनाए। बेटे माओ से बड़ा प्यार करते। फरमाया फिजा बच्चों को कहो आखिरी बार अम्मा की ज़ियारत कर ले, इसके बाद अम्मा का चेहरा शायद देखने। अली ने मना किया, बच्चों आहिस्ता आहिस्ता रो, क्योंकि सैयद अली गसले बिलल गफले बिलल, अली मुझे रात में गुसल देना, रात में दफन कर दे। बीबी फिजा फरमाती है, नन्हे बच्चों ने तमीसों को दांतों में जकड़ा हुआ था, कोई बता न सुने। कबज्जो जल्दी करो, माँ से खुदा काफिल करो। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, अम्मा के माथे का बोसा देने लगी। बीबी उम्मे कुलसुम आगे बढ़ी, अम्मा के सीने से लिपट गए। इमाम हसन आगे बढ़े, माँ के कदमों पे सर रख के रोने लगे। फिजा कहती है, एक बच्चा था जो अपनी जगह से उठने को तैयार नहीं है, सर को घुटने में दिया हुआ है, जारो कतार रो रहा है। फिजाने का हुसैन आगे बढ़ो, अम्मा से खुदा हाफिज करो। रो के कहने लगे, अम्मा फिजा मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अम्मा यतीम बच्चे। रिवायत के जुमले हैं, अरशे इलाही पे कोहराम बपा था, जिब्राइल नाज़िल हुए, कहा अली बच्चों को माँ से जुदा करो। अरशे इलाही पे कोहराम बपा, मौला अली आगे बढ़े, हसन को सीने से लगाया, हुसैन को सीने से लगाया। मैं कहूँ मौला हुसैन, हाय आपकी यतीमे, हाय आपकी किस्मत, बड़े प्यार से अली ने सीने से लगाया। लेकिन मौला हुसैन करबला, हाय करबला, एक चार साल बच्ची है जो खुद को बाबा के सीने पे गिराया, किसी ने प्यार से नहीं उठाया, किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा। एक मर्दबा शिमर आगे बढ़ा, बच्ची के बाद